गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया। देन इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोटॉन के बारे में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी। उन्होंने गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे की, उन्होंने जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ये पता चला कि एटम में कुछ निगेटिवली चार्ज प्रेजेंट होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था। देन उन्होंने सोचा जब एटम न्यूट्रल होता है, यदि एटम में कोई नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट है तो जरूर उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा। ये सोच के उन्होंने क्या किया, प्रोटॉन की डिस्कवरी स्टार्ट की। पहले उन्हें पता नहीं था प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन क्या होता है। देन उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब लिया। उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड लगाए, कैथोड एंड एनोड, पॉजिटिवली चार्ज एनोड एंड नेगेटिवली चार्ज कैथोड। कैथोड कैथोड को उन्होंने परफोरेटेड कर दिया, परफोरेटेड कैथोड। देन कैथोड के पीछे उन्होंने क्या किया, ZnS की स्क्रीन लगा दी। हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया। देन उन्होंने देखा कि यदि हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एनोड की तरफ से कुछ रेज कैथोड की तरफ जा रही है। अब पॉजिटिव चार्ज से कोई भी चीज यदि नेगेटिवली चार्ज एनोड कैथोड की ओर जा रही है, इसका मतलब वो क्या है, कुछ पॉजिटिव रे निकल रही है जो नेगेटिव रे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जा रही है, जिन्हें उन्होंने एनोड रे नाम दिया, एनोड रे, क्योंकि ये रे एनोड की तरफ से निकल रही थी, एनोड रे नाम दिया। देन इन्हें कैनाल रे भी कहा गया, कैनाल रे। देन हम ये कह सकते हैं कि ये कैनाल या होल के थ्रू पास हो रही थी, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, कैनाल रे। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन। सम कैरेक्टरिस्टिक थे प्रोटॉन के, इसमें हम फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। एनोड रे की प्रॉपर्टी देखेंगे हम कि एनोड रे में क्या क्या प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे, एनोड रे। इन फर्स्ट प्रॉपर्टी, एनोड रेज travel, anode rays travel in straight line. Straight lines. Then second, these rays rotate the light pattern. The light pattern will placed in their path. Anode rays, third,
एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड In electric field, they get deflected. They get deflected towards negatively charged plate. Then nature of number four, the nature of anode rays depend upon the types of gas used in discharge tube. फिर हम देखते हैं कि एनोड से क्या क्या प्रॉपर्टी थी. एनोड से भी बिना किसी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते थे. जब हम एनोड से के बीच में किसी पैडल या व्हील को रखते हैं तो हम देखते हैं कि वो क्या होता है, रोटेट करने लगता है. देन थर्ड, एनोड से क्या मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो क्या होते थे, डिफ्लेक्टेड होते. यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एनोड से में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हम देखते थे कि ये रे नेगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर रिप्लेस हो जाता था क्योंकि जो एनोड रे है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज रे हैं. फिर हम देखते थे कि यदि डिस्चार्ज ट्यूब में हम जिस टाइप अलग अलग गैस के लिए जो ये रेज थी वो गैस पे डिपेंड करती थी कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब में किस टाइप की गैस लिए, क्योंकि हमें पता है कि हर गैस का जो मास होता है, प्रोटॉन का मास, वो डिफरेंट होता है. जबकि इलेक्ट्रॉन के लिए ये बात नहीं थी, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम होता है, इसलिए वो हम जब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे तो वो उसमें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस पे डिपेंड नहीं करता था. जबकि ये यदि हम प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात करें तो इसमें हम डिस्चार्ज ट्यूब में हमने किस प्रकार का गैस यूज किया है वो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा. देन हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स. फंडामेंटल पार्टिकल्स मीन्स ऐसे पार्टिकल जो एटम में प्रेजेंट होते ही हैं. किसी भी पोजीशन में ये पार्टिकल्स एटम में प्रेजेंट होंगे. तो हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल. हम जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी. इलेक्ट्रॉन के लिए हम यदि हम एक चार्ट बनाए, इसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. इन फर्स्ट नेम, सेकेंड मास ऑफ पार्टिकल, चार्ज ऑफ पार्टिकल, देन फर्स्ट सिंबल, देन सेकेंड हम देखेंगे एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज,
देन रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज, देन हम देखते हैं मास केजी में, एंड मास एमयू में, एमयू के म्यू से डिफाइन कर सकते हैं। सिंबल इलेक्ट्रॉन का सिंबल था ई, प्रोटॉन का सिंबल था पी, न्यूट्रॉन का सिंबल था एन। इलेक्ट्रॉन पे एब्सोल्यूट चार्ज था -1.60 इनटू 10 रेज टू पावर -19। प्रोटॉन की एब्सोल्यूट चार्ज की बात करें तो उसमें 1.60 इनटू 10 रेज टू पावर -19। एंड न्यूट्रॉन के बारे में हमें पता था न्यूट्रॉन न्यूट्रल था, ये इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसका चार्ज जीरो। रिलेटिव चार्ज, यदि हम इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव चार्ज की बात करें, इसके -1 चार्ज, इसके +1 चार्ज, एंड ये न्यूट्रॉन न्यूट्रल था। के मास की बात यदि हम केजी में करें तो जो इलेक्ट्रॉन था उसका मास था 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31। प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो 1.672 इंटू 10 रेज टू पावर -27 केजी, एंड न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.674 इंटू 10 रेज टू पावर -24। न्यूट्रॉन का जो चार्ज था वो प्रोटॉन के चार्ज से, न्यूट्रॉन में चार्ज देखे हम तो 1.674 इंटू, हम देखे कि न्यूट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो मास था वो प्रोटॉन के मास के बराबर था, बट थोड़ा न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से अधिक था। तो न्यूट्रॉन के मास की बात करें हम तो न्यूट्रॉन के मास था 1.67 इंटू 1.674 10 का पावर -27। यदि हम एमयू में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास था 0.00054, प्रोटॉन की बात करें 1.0072, एंड न्यूट्रॉन के एमयू में मास की बात करें तो 1.00867। देन हमने ये प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की स्टडी कर ली जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन हम बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स की। एटॉमिक मॉडल्स में एटम के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल दिए गए, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने एटम के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल बताए, तो हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल, सबसे फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जेजे थॉमसन ने लिया था, जेजे थॉमसन ने 1898 में दिया था। जेजे थॉमसन के मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को इस तरह से डिफाइन किया था कि यदि हम मानते हैं कि ये एक वाटरमेलन है, तो उन्होंने बताया था कि वाटरमेलन का जो सीड होता है ब्लैक, उन्होंने उस इलेक्ट्रॉन को उस सीड से डिनोट कर दिया था कि जिस तरह से वाटरमेलन में सीड होते हैं उसी तरह से एटम में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड उसके रेड पार्ट को उन्होंने प्रोटॉन कहा था। कि जिस तरह से वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है उन्होंने उसे प्रोटॉन कहा, और उसके निगेटिवली चार्ज जो सीड होते हैं उनके उसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा था, इलेक्ट्रॉन। देन अकॉर्डिंग टू जेजे थॉमसन, उन्होंने ये बता दिया कि एटम में जो प्रोटॉन होता है वो पूरा रेड, जो वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है वो पूरा प्रोटॉन होता है, एंड उनके जो सीड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन उनके मॉडल का मेरिट क्या था, हम मेरिट की बात करें तो उन्होंने
ये बताया था कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उन्होंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की बात कही थी कि एटम में दोनों प्रेजेंट होते हैं। देन उन्होंने बताया, ये मेरिट्स में आता है जीजे थॉमसन का, कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। देन उन्होंने ये भी देन हम यदि हम उनके डीमेरिट्स की बात करें, एटॉमिक मॉडल्स के डीमेरिट्स की, तो जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि जीजे थॉमसन का जो मॉडल था वो राइट नहीं था। देन हम सेकेंड मॉडल की बात करते हैं, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जीजे थॉमसन के मॉडल के बाद रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताया, रदरफोर्ड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट 909 में किया था। देन हम उनके मॉडल की बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की, तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू थॉमसन, जेजे थॉमसन मॉडल, उन्होंने जेजे थॉमसन मॉडल को सही मान के एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, रेडियो एक्टिव सोर्स, देन उसे लेड बॉक्स के अंदर रखा। उस रेडियो एक्टिव सोर्स से निकलने वाली रेज को एक गोल्ड की थिन फाइन फॉइल पे बम्बार्डिंग कराई, एंड इसके चारों ओर जेड एन एस स्क्रीन लगाया। ये रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव सोर्स के रूप में उन्होंने लिया था रेडियम। देन ये लेड की प्लेट थी, लेड प्लेट जो रेडियो एक्टिव को एब्जॉर्ब कर सके। देन ये गोल्ड फॉइल थी, गोल्ड फॉइल, एंड ये जेड एन एस की स्क्रीन थी। जब उन्होंने रेडियो एक्टिव सोर्स की बम्बार्डिंग इस फॉइल पे कराई, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी जो रेज थी वो तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्या हुई, कुछ तो स्ट्रेट लाइन में आसानी से निकल गई, कुछ डिफरेंट एंगल पे क्या हो गई, मूव रिटर्न हो गई, एंड कुछ जो रेज थे वो डायरेक्ट जिस एंगल से आए थे उसी एंगल में रिफ्लेक्ट हो गए। उन्होंने सोचा, यदि रदरफोर्ड, यदि जेजे थॉमसन का मॉडल सही है तो सारे अल्फा पार्टिकल इजली इसमें से निकल जाने चाहिए थे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। देन बट उन्होंने देखा कि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल इजली इससे स्टेट लाइन से निकल गया, जिससे उन्होंने ये सोचा कि एटम के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे जो ब्लैंक है, जो खाली है, हम कह सकते हैं जो खाली है, जिससे इजली अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, पास हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे उसी डिफरेंट डिफरेंट एंगल से रिफ्लेक्ट हो गए, जिससे उन्होंने सोचा कि एटम के अंदर कुछ ऐसा पोर्शन है जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है, जो कुछ अल्फा रेज को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज बहुत ही मतलब कुछ जगह पे है। देन उन्होंने क्या किया, इसके एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने
ऑब्जर्वेशन किया, हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल के। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, दिस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द एटम अनडिफ्लेक्टेड हिंस देयर मस्ट बी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उनका क्या था, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गॉट deflected, got deflected, therefore, there must be something positively charged structure, something positively charge structure present in atom। then third observation की बात करें तो the number of alpha particles which get deflected is very small, therefore the whole positive charge present in the atom is concentrated in a very small space. Some of alpha particles retracted their path. I came almost straight back towards the
सोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ देयर डायरेक्ट कॉलिजन विथ डायरेक्ट कॉलिजन विथ द हैवी मास हैवी मास। ये अल्फा वार्टियर रदर फोर्स के एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट ऑब्जर्वेशन थे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते थे, अपने इजली एटम से पास हो जा रहे थे। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एटम्स में बहुत ही लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है। देन सेकेंड ऑब्जर्वेशन की बात करें तो सम ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, अपने पॉजिटिव एटम के पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। देन थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करें तो द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल विच गेट डिफ्लेक्टेड इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर फोर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। देन फोर्थ हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, इट मीन्स 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में वन अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो उस स्टेट लाइन में क्या हो रहे थे, पैक हो रहे थे, रिफ्लेक्ट हो रहे थे। इट मीन्स हम इससे ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि एटम्स के बहुत ही स्मॉल स्पेस में कुछ हैवी मास का पार्टिकल होगा, जिससे ये अल्फा पार्टिकल कॉलिजन करके क्या हो रहे थे, डायरेक्ट उसी स्टेट में बैक हो जा रहे थे। देन हमने देखा कि किस तरह से रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। देन हम इनके ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कुछ मेन फीचर्स दिए एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। उन्होंने कहा कि एटम में बहुत ही स्मॉल ज्यादातर जो स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है एंड पॉजिटिव चार्ज बहुत ही स्मॉल एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। देन इलेक्ट्रॉन उसके पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। इस तरह से उन्होंने बताया कि सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, देन इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर इस तरह से मूव करते हैं और बहुत सारा स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है। देन उन्होंने बताया कि एटम का जो मोस्ट फास्ट होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चारों ओर इसके सेंटर में उन्होंने बताया कि प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन एंड इसके सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करते हैं। हम रदरफोर्ड के मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं। फिर हम देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल के क्या क्या डिफेक्ट थे। डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। इन फर्स्ट हम देखते हैं Rutherford did not specify the number of electron in each orbit. उन्होंने ये नहीं बताया था कि प्रत्येक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि हर एटम एक ऑर्बिट में, हर एटम एक फिक्स ऑर्बिट में ही, हर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करेगा। देन सेकेंड डिफेक्ट की बात करें तो ये अकॉर्ड एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने बताया था, उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक्सीलेटरी मोशन करता है तो क्या होगा, कंटिन्यूसली एनर्जी वो लूज करेगा, उसमें से कंटिन्यूसली एनर्जी लूज होगी, इसमें उसमें क्या होगा, रेडिएशन का इमिशन होगा।
इस प्रकार से यदि इस तरह ऐसा होगा कि पॉजिटिव चार्ज के चारों नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेंगे तो वो एनर्जी लूज करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे प्रोटॉन के अंदर आ जाएंगे, जिससे एटम क्या होगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। एटम अनस्टेबल नहीं होता है, हमें पता है कि एटम क्या होता है स्टेबल होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को आगे डिफरेंट साइंटिस्ट ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। देन हम रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं रदरफोर्ड did not specify the number of electrons in each orbit. Then second,